हाय, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं कुक माई फूड। आज की रेसिपी होममेड चॉकलेट सॉस। एक पैन में हम 100 ग्राम शक्कर लेंगे और 50 ग्राम यानी शक्कर का आधा कोको पाउडर ले लेंगे। याद रखिए, इस पॉइंट पर गैस को बंद रखना है। अब इसमें 200 ml पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते रहेंगे। पानी एक बार में नहीं डालना है, वरना लम्स पड़ सकते हैं। जब शक्कर और कोको पाउडर अच्छे से घुल जाए, हम इसमें मक्खन डालेंगे। हमने यहाँ 3 बड़े चम्मच मक्खन लिए हैं। अब बारी है गैस को ऑन करने की। गैस को ऑन करके बटर को इसमें अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम इसमें एक उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, ये उबल चुका है। अब हम इसे मध्यम आंच पर 8 से 10 मिनट तक पकाते रहेंगे, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। देखिए, अब ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। बारी है इसमें आखिरी इंग्रेडिएंट की। हम इसमें एक छोटा चम्मच वैनिला एसेंस डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस सॉस को ठंडा करके स्टोर कर लीजिए। ये बिल्कुल बाजार से खरीदी चॉकलेट सॉस जैसी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे कुक माई फूड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।